सभी साथियों को रजत सिंह नमस्कार। सभी साथियों द्वारा अभी अधिकतर वो साथियों को भोजन करने के बाद हमने सोचा कि एक छोटा सा लाइव वीडियो हो जाए। बहुत सारे साथियों का फ़ोन आ रहा था कि धरने का क्या माहौल है भैया, कोई अपडेट नहीं मिली, लाइव नहीं आया कोई। तो इसी संबंध में मैं लाइव आया हूँ आप सबको बताने कि धरना निरंतर चल रहा है और सभी लोग खा पी कर सो रहे हैं और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी छात्राएँ बहनें भी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, धरना का जो चौथा दिन है, तो चौथी रात्रि है, ये अभी चल रही है। हम सब का धरना भी स्थगित नहीं हुआ है। हम सब ने केवल शिक्षा मंत्री जी की बातों को हमको आश्वासन करना होता तो धरना देने लखनऊ नहीं आते। और जो यहाँ दूर दूर उपस्थित मेरे जो साथी हैं, जो दूर दूर से चल के आ रहे हैं, ये सब यहाँ उपस्थित ना होते। हम सब का उद्देश्य है कि लिखित रूप से आश्वासन लिखित रूप से जियो जारी हो। और इसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं, इको गार्डन बहुत बड़ा गार्डन है, यहाँ पे 5 लाख की भी संख्या आ जाए तो यहाँ समाहित हो जाए, बताना चले छात्र और छात्राएँ कहाँ हैं। आपको बताएंगे, बहुत रात्रि का समय है, सभी लोग अपना अपना स्थान चयन करके सो रहे हैं। और मैं एक एक करके दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथी वहाँ पे सो रहे हैं, इधर उधर ही हैं। और मैं एक एक करके दिखाने का प्रयास करूँगा कि धरना जो चल रहा है ये चलेगा, क्योंकि हमारी मांग है लिखित रूप से बैग प्रतीक्षों का प्रमोट करें। और मैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जितने भी साथी हैं सभी दूर दूर सो रहे हैं, क्योंकि रात्रि का समय है और हम सब भी अभी उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ। और कल का धरना निर्णायक होगा और कल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी इको गार्डन में उपस्थित रहेंगे। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि जितने भी साथी हैं वह सभी साथी से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी अधिक संख्या में पहुंचें और कल का धरना में इतनी भीड़ होनी चाहिए कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आएं। उनका अगर एक प्रकार जीवों में गलत करने का भी इरादा हो तो वो डर के मारे एक बार ना सोचे कि बैग प्रशिक्षक साथ अहित करें, क्योंकि ये जो धरने में इतनी सारी भीड़ दिखाई दे रही हैं, ये दूर दूर पे जो प्रशिक्षक साथी सो रहे हैं इनको अभी एकत्रित नहीं किया गया है। अगर एकत्रित कर दें तो यहाँ पे कम से कम 400-500 साथी होंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य जो है आप सबको इसलिए, क्योंकि बहुत सारे साथियों फ़ोन आ रहा है, वो समंजस बना बता रहे हैं कि भैया धरना भी चल रहा है कि नहीं चल रहा, 4-5 घंटा होगा, कोई लाइव नहीं आया। भैया धरना ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बहुत सारा काम होता है, यहाँ इतने सारे प्रशिक्षु साथी हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके सोने की व्यवस्था, मच्छर, ये गार्डन है, यहाँ पे बहुत सारे मच्छर हैं, किस तरह से यहाँ रात्रि सो रहे हैं कि रात नहीं, आपको अगर एक आधा 10 मिनट के लिए यहाँ बैठा दिया जाए तो शायद आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे। लेकिन जो यहाँ संघर्ष करने के लिए जो साथी आए हुए हैं, सबका भविष्य आज अंधकारमय होने वाला है, वो यहाँ पे अपनी एक एक रात्रि बिता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं उनके मोर्टीन के लिए, उनको मच्छर ना काटने के लिए व्यवस्थाएँ। अरे ठीक है, ये हमारे जो इलाहाबाद से हैं राम उजागर जी हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था प्रशिक्षु साथियों के लिए किया गया, खाने पीने नाश्ता हर चीज़ की व्यवस्थाएँ जब की जा रही हैं, आप सबके साथ शारीरिक जितने भी चीज़ें हैं आपको जब व्यवस्थाएँ दी जा रही, तो आपका कर्तव्य है कि इस धरने में पहुँचने के लिए। ये लड़ाई मेरी नहीं है, उन 90,000 प्रशिक्षुक साथियों की है जिनके साथ अन्याय हुआ है, प्रमोट नहीं हुआ है। इसलिए आज दो बार बैठक हुई है, नहीं इलाहा लखनऊ में बहुत सारे बेसिक शिक्षा के धरना चल रहे हैं, किसी की बैठकें नहीं होती हैं, ना किसी की बातें होती हैं, लेकिन डीएलएड की एकता और संघर्ष ने शिक्षा विभाग से लेकर उत्तर प्रदेश शासन तक को हिला दिया है कि डीएलएड की एक यूनिटी है कि वो चाहे तो अपनी मांग पूरी कराने के लिए कदम से कदम कुछ भी कर सकती है। मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये रात्रि के समय है और मांग पूरी होने कगार पे है और प्रशासन पूरे साथ में आज कॉपरेट कर रहा है, क्योंकि कल शिक्षा मंत्री
जी आने और महानिदेशक और डायरेक्टर सचिव जी ये सब उपस्थित रहेंगे कल इको गार्डन में। और जियो जियो संबंधित बहुत सारे चीज़ें हैं, जियो को भी पास होने के लिए, पारित होने के लिए भी बताया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए सभी साथियों को मैंने कहा है कि आज आराम करें। जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे हमारे साथी हैं, आज इनको सबको मैंने आराम करने के लिए बोला है, क्योंकि कल माननीय शिक्षा मंत्री के आना है और हमें इतना बड़ा जनसैलाब दिखाना है इको गार्डन में कि आने के बाद ये सभी जो है यहाँ पे अपनी बात रखे तो कोई शांत ना हो, क्योंकि उस दिन शांति नहीं बनाना है, क्योंकि अपनी आवाज़ इतनी बुलंद रखना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी आपकी एकता अखंडता यूनिटी को तोड़ ना पाए और सोचे कि हाँ कोई डीएलएड है जो अपनी मांग के प्रति अग्रसर है। और कल जियो संबंधित पर बैक प्रशिक्षुओं के लिए जियो पारित कर दें, इसलिए मैं सभी प्रशिक्षु साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, जो अभी नहीं निकले हैं और जो निकलना चाह रहे हैं सभी साथी अपने घरों से निकलें, क्योंकि ये भी बैक प्रशिक्षु हैं और ये अपने लिए हक के लिए देख रहे हैं किस तरह से पत्थरों पर सो रहे हैं, पेड़ के नीचे सो रहे हैं। और मेरी बहुत सारी छात्राएँ बहनें हैं और मेरे बहुत सारे छात्र हैं ऐसे हैं जो बेचारे खुले छत के सामने सो रहे हैं, लेकिन इनको क्यों सो रहे हैं, ये मच्छरों में जिस तरह से मच्छरों का यहाँ पे ज़्यादा दिखता है तब भी ये सो के अपने हक की मांग कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो है कि प्रमोट संबंधित जो भी हमारा संघर्ष है ये लगातार निरंतर चलता रहे और इसमें हम अपनी लड़ाई को अग्रसर हों। मैं सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ जो लड़ाई में नहीं पहुँचे हैं वो भी पहुँचे को सफल बनाए, संख्या की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ इसलिए आप सबका इस बड़े स्तर पर आह्वान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल आप सबकी आखिरी लड़ाई है और अंतिम लड़ाई है, क्योंकि कल माननीय शिक्षा मंत्री जी जियो बैक प्रशिक्षुओं के हित के लिए और कल निर्णय लेंगे सुधार करके कल आदेश पारित करने के लिए कहा गया है, इसलिए आज वहाँ बैठक में तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं अपने हक के लिए बहुत तेजी से, मुझे खुशी है कि बहुत सारे साथी अभी आ रहे हैं धरने में और संख्याएं बहुत तेजी से निरंतर बढ़ती जा रही है। मुझे उम्मीद है कि कल की संख्या बहुत अच्छे स्तर से बढ़ेंगी और बहुत दूर दूर से छात्र और छात्राएं यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से बताना चाहता हूँ कि जो साथी लाइव जुड़े हैं कृपया करके हर बैग प्रशिक्षुओं तक पहुँचाइए, जिससे कल अधिक संख्या में भीड़ हो। अभी भी एक माननीय इस इको गार्डन में भी इतनी जगह है कि पूरा हर बैच आ सकता है, लेकिन मैं ये यहाँ इको गार्डन भरने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ इतना कहना चाहता हूँ कि कल शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनको अपनी यूनिटी और अपनी ताकत दिखाने के लिए इतनी यहाँ संख्या रख सको कि वो भी समझे कि डीएलएड की कोई शक्ति ऐसे है, ऐसा संगठन है, इतनी यूनिटी है कि अगर इनके साथ दोबारा इस तरह से कोई गलत कार्य किया गया या ऐसा दोबारा ऐसा कोई कार्य करने की कोशिश की गई तो कम से कम 10 बार सोचें, क्योंकि हमें दोबारा इस तरह खुली हवाओं में सोने के लिए बार बार प्रयास ना किया जाए। एक बार आखिरी बार सरकार को चेताने का है और प्रमोट करके 90,000 बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। इसलिए जो साथी मैं चाहता हूँ यहाँ उपस्थित जितने भी साथी हैं अगर कोई अपनी बात रखना चाहता हो कृपया करके हाथ उठा दे, जिससे वो अपने बैक प्रशिक्षुओं तक ये बात पहुँच सके। आप आगे एक लोग निकल के आइए, यहाँ वहीं पर रहिए, एक लोग बोलिए, एक लोग मैं भी कहता हूँ आप भी सुनो भैया से बगल हो जाए, धीरे शांति से एक एक लोग बोलते जाइए। जी सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार, मैं डॉक्टर हाथरस से हूँ। मेरे यहाँ ना आने से पहले हमारे समस्त विद्यार्थी ये कहा करते थे कि भैया जब तक आप नहीं जाओगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं अपने समस्त हाथरस मथुरा अलीगढ़ सभी डैड के जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कल हमारा जो भी लड़ाई है वो ऐतिहासिक लड़ाई है। अतः आप सबसे निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आप लोग आएँ और इस जितने उपस्थित हमारे भाई बहन हैं उनका समर्थन करें ताकि हमें जीत आसानी के साथ मिल सके। अदरवाइज अगर आप लोग नहीं आओगे तो बस YouTube TikTok पे देखने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। बस हम आपसे यही निवेदन करते हैं अगर आपको जीत चाहिए तो कल आप लोग भारी से भारी मात्रा में आएं और अपनी बात को रखें ताकि जिससे हमें जीत मिल सके। धन्यवाद। और कोई मेरे सभी कोई साथी बोलना चाहता
रामपाल है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि घर पे बैठ बैठ के मैसेज ना करें, अपने घर से निकले, अपने हक की लड़ाई लड़े। यहां आके आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर एकत्रित करेंगे भीड़, तो हमें जीत मिल सकती है और हम जीत के बहुत नज़दीक हैं। तो हम सभी साथियों से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी साथी जितने भी ज़्यादा देख रहे हैं लाइव, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे को पहुँचाए, ताकि वो और प्रोत्साहित हों आने के लिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भीड़ यहाँ एकत्रित करें। और कोई साथी अगर बैक प्रतीक्षों तक अपनी बात रखना चाहता है तो कृपया करके रख सकता है। जी, मैं विनय तिवारी डायरेक्ट मिर्जापुर से आया हूँ। अभी तक हम भी नहीं थे यहाँ पे और हमारे साथी भी काफ़ी नहीं थे। हम उनसे गुजारिश किए कि आप लोग आइए, और अभी भी कुछ लोग साथी सो ही रहे हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे केवल मैसेज देख रहे हैं, वीडियो अपडेट वो देखना चाहते हैं, बाकी यहाँ आना नहीं चाहता है। लेकिन लड़ाई एक लोग की नहीं है, और आप भी जानते हैं कि संघीय शक्ति यूनियन में ही शक्ति है। अगर हम छात्र शक्ति हमारा मतलब यूनियन से ही है, अगर हम एक छात्र यहाँ के कितना भी बड़ा भी धरना कर दें, हम एक साल बैठे रहें तब भी कोई सुनवाई नहीं होने वाली। इसलिए जो भी साथी हैं हमारे प्रशिक्षित छात्र या छात्राएं, सब लोग आएं और अपना यहाँ योगदान दें और यहाँ पे अपनी एक संवैधानिक और जायज़ न्याय लेके चलें। और कोई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी से कोई हम मांग रहे हैं कि हमको आप फ्री में दीजिए, है ना। हम अपने मेहनत का, अपने परिणाम का रिजल्ट चाहते हैं, और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए हम एक संवैधानिक न्याय चाहते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ आए दूर दूर जी, और हमको न्याय दिलाएं। ठीक, धन्यवाद। सभी साथियों बताना चाहता हूँ, ये धरना हमको बोल रहे हैं चार इको गार्डन लखनऊ में हो रहा है। बहुत सारे प्रशिक्षु साथी, क्योंकि पुलिस प्रशासन का शक्ति है बहुत ज़्यादा, बार बार यहाँ पे हम तो जगेंगे, प्लस चाहते हैं पुलिस प्रशासन भी जगे, जिससे उनको लगे तो मैं यही चाहता था आप सबसे। बहुत सारे साथी पूछते थे कि धरना कहाँ संचालित हो रहा, धरना कहाँ हो रहा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि धरना इको गार्डन में हो रहा है जो लखनऊ में है। आप सभी साथी चार बाग से पहुँचे, वहाँ से आप कहीं भी कहेंगे इको गार्डन जाना, आपको यहाँ पे लाके छोड़ देगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इको गार्डन में किसी से पूछ लेंगे तो आपको सबको पता है उत्तर प्रदेश लखनऊ जैसे ज़िले में केवल एक ही जगह धरना प्रदर्शन होता है, वह है इको गार्डन। और इको गार्डन में हम सब उपस्थित हैं, यहाँ पे बहुत सारे छात्र और छात्राएं उपस्थित हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लड़ाई आप सब की है, और मैं सभी साथियों से एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, अगर कोई अगर आप रामू जगर जी आप अपनी बात रखना चाहते हैं प्रशिक्षुओं से। जो भी जितने भी 17-18 बैच के बैक प्रशिक्षु जो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। देखिए, मैं 2017 का हूं, मेरा कोई बैग नहीं है। आप लोग हक के लिए हम आज चौथे दिन है, चौथी रात डका रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भाई हम लोगों के साथ हो जाए। अभी तक जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कल आप 10 बजे 11 बजे तक यहां पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों की यूनिटी हम लोगों की शक्ति होगी। कल शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि यहां देखेंगे कितने छात्र हैं कितने नहीं। अगर हम लोग अगर 1% आ जाएंगे तो 9000 हो जाएंगे, 90000 में 1% आएंगे 9000 हो जाएंगे, 9000 आ जाएंगे, जहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहेगी। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और यहाँ आने का कृपा करें। बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि कितने बजे आना है, कितने बजे नहीं आना। भैया, ये कोई कॉलेज का टाइम नहीं है, ये धरना स्थल है और ये रात्रि लगातार चल रहा है। आपको जब समय मिले तब पहुँचे। यहाँ पर हम सब 24 आवर्स आपको यहाँ मिलेंगे, और हमारा जो धरना है लगातार चल रहा है और बंद नहीं हो रहा है। बस हम सब चाहते हैं कि अभी आप बैठें, जहाँ सुबह 1 बजे आएँ, 2 बजे सुबह आएँ, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आपका मन करे तब आएँ, कोई समय नहीं है धरने का। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कल अधिक संख्या में आएँ। इसलिए सभी साथी जो भी इस लाइव वीडियो देख रहे हैं, बैक प्रशिक्षु साथियों से मैं
आपको तक पहुंचाएं और जिससे इस हक की लड़ाई का आखिरी और अंतिम लड़ाई है, इसको कल जीत कर सभी साथी खुशी के साथ घर जाएं और 90,000 प्रशिक्षु साथियों का भविष्य सुरक्षित हो। जय हिंद, जय भारत।